4x4 करते भाई, हमने 4x2 रखा है, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा करके मैंने ये किया भाई। तो भाई हमारे पास 4x4 गाड़ी नहीं है, हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी है जिसका नाम है A-Star। शाम के बजे 9:30 आज करने जा रहे हैं हम अपनी एरिया को रिवील कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्रीज। भाई हम जा रहे हैं अपने 9 दिनों के ट्रिप के लिए, और कहाँ जा रहे हैं, स्टिकर बनवा रखे थे उनको आज अपनी गाड़ी में डेकोरेट करेंगे, मतलब लगाएंगे स्टिकर्स भाई। सरप्राइज आज रिवील होने वाला है। ये है अपने स्टिकर भाई जो हमने बनवाए थे अपनी गाड़ी के लिए, विंटर स्पीति। जी हाँ, विंटर स्पीति। और देखो एक और चीज है भाई, कुछ लोग हंसेंगे उसको देख करके, बट भाई ड्रीम है तो ड्रीम है भाई। 4x2 एक्सपेडिशन, 4x4 करते भाई, हमने 4x2 रखा है क्योंकि हमारे पास गाड़ी 4x2 है। जहाँ पे लोग भाई 4x4 लेकर के जाते हैं अपना दिसंबर और जैन के टाइम पे, हम जा रहे हैं नवंबर में, यानी कि नवंबर में। अभी ये जो स्टिकर है मैंने लाया हूँ भाई, इनको प्लेस करेंगे पीछे से लेकर के यहाँ तक, जो कि हमने एरियाज वगैरह सारा कुछ बना रखा है। तो दिखाते हैं भाई धीरे धीरे आपको कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एरिया रहने वाला है। ड्रीम होता है भाई ये सबका, जिसको हर लवर रहते हैं ना भाई, उनको ये सब चीजें पता होती हैं और वो इन सब चीजों से भाई जुड़े रहते हैं, इमोशनली अटैच भी रहते हैं कि भाई क्या चीज है ये। फिलहाल करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। पहला स्टिकर ये रहा, विंटर स्पीति 4x2 एक्सपेडिशन, जॉब फिल योर पॉकेट, एडवेंचर फिल योर शॉल। तो भाई कुछ इस तरीके से हमने स्टिकर लगाया। बेसिक हमारी गाड़ी में 4x4 नहीं है, 4x2 है। पता नहीं कितनी जगहों पे रुकेगी, कैसे हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं, बट हमने ये स्टिकर लगाना जरूरी समझा भाई, क्योंकि इमोशंस जुड़े हैं इन स्टिकरों के साथ। तो फिलहाल ये लग चुका है भाई ऐसी प्लेसमेंट, इसकी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना भाई। अभी नेक्स्ट जो है हमने ये जो लाइन है ना ये कवर करनी है, और भाई ये ग्लू ना बहुत खतरनाक है, ठक से चिपक रहा है। ये है कुछ अपनी स्टिकरिंग, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा करके मैंने ये किया भाई। विंटर स्पीति जो एक स्टिकर था मेन वाला 4x2 एक्सपेडिशन, वो मैंने यहाँ पे रखा है। और इस साइड पीछे वाली साइड मैंने कोई ज्यादा हॉचपॉच नहीं रखी है, यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा मटेरियल लग चुका है भाई। मॉर्निंग में बताऊंगा अभी क्या सिस्टम है। एक साइड मेरी पेंटिंग है वो भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ भाई, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, 10:07। बताना भाई कैसा लगा, मॉर्निंग में आपको इसका रिव्यू बताता हूँ कि अच्छे से दिखेगा भाई, अभी तो ज्यादा कुछ हाईलाइट हो नहीं रहा। विंटर स्पीति क्या है? तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्रीज। तो फिर से नया दिन, नई शुरुआत, और भाई जो हमने रात को काम किया था वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी, क्योंकि भाई उजाले में ना देखने का मजा ही कुछ और रहता है। कुछ लोग इस त्योहार को मनाते हैं भाई दिसंबर जनवरी फरवरी में जाकर के, जब एक्सट्रीम लेवल की वहाँ पे बर्फ गिरी होती है। दिसंबर में भी उतनी ज्यादा बर्फ नहीं होती है, बट भाई दिसंबर के एंड में और जनवरी के स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा बर्फ होती है वहाँ पे, चलती है सिर्फ और सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ। तो भाई हमारे पास 4x4 गाड़ी नहीं है, हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी है जिसका नाम है A-Star। तो भाई हम इसको लेकर के जा रहे हैं विंटर स्पीति में। सर्दियां तो ऑलमोस्ट आ ही चुकी है, तो हमने अपनी गाड़ी का नाम रख दिया विंटर स्पीति। तो क्यों? क्योंकि भाई हमारा भी ड्रीम है कि हमारे पास 4x4 होती और हम भी अपनी गाड़ी लेकर के जाते। यहाँ पे भाई विंटर स्पीति 4x2 का हमने स्टिकर लगा रखा है, 4x2 एक्सपेडिशन, जॉब फिल योर पॉकेट्स, एडवेंचर फिल योर सोल। एक मैसेज दे रहा हूँ भाई मैं, इसलिए मैंने स्टिकर लगाया। बहुत से लोग हंसे कि भाई तू क्या दिख रहा है 4x2 ये वो सो, बट भाई क्या है, देखो अपनी अपनी इच्छा होती है। मेरे पास नहीं है तो भाई हम इसी गाड़ी के साथ अपने शौक जो है पूरा कर रहे हैं। अगर बड़ी आएगी तो भाई बड़ी के साथ तो भाई शौक पूरा हो ही जाएगा। तो भाई जो आपके पास फैसिलिटी है ना, आप उसको यूज करके, उसका यूटिलाइज करके ना अपने ड्रीम प्लेस, अपनी जो जो इच्छा है ना उनको पूरी कर सकते हो। एक ना एक दिन तो भाई आप बड़े बनोगे, ये पता है, मंजिल तक तो पहुंचना ही है। सबसे पहला दिन होगा वो होगा चंडीगढ़, शिमला, नारकंडा और सांगला। फिर उसके बाद दे दूसरा, फिर सांगला, चितकुल, कल्पा। तीसरे दिन में आएगा भाई नाको, ग्यू, कल्पा। और चौथे दिन में आएगा ढंकार लेक, ताबो मोनिस्ट्री में। और फिर उसके बाद डे 5 में आएगा काजा की खिवर। और उसके बाद डे 7 कुंजुम पास। और डे 7 में आएगा चंद्रताल लेक। भाई यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, जो डे 6 होना था वहाँ पे 7 आ चुका है, आगे पीछे हो गया। यहाँ से 5 तक तो ठीक है, पर 6 में थोड़ा सा हौच पौच हो गया है। उस हिसाब से हमारा जो डे 8 है वहाँ पे चंद्रताल है, और डे 9 मनाली टू चंडीगढ़ बाया कुल्लू सुंदरनगर होकर के। इसका ना विंडो अप और डाउन होती है ना, जिससे जो मेन है भाई यही खराब हो गया है, इसको अभी ठीक करवाना है। इसका ना सिस्टम सेट ही नहीं आ रहा। पता नहीं भाई आगे रास्ते में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी आएंगी भाई आपके साथ मैं शेयर जरूर करूंगा। और भाई आप अपना स्पोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, अगर आपको हमारा थोड़ा भी कंटेंट अच्छा लगता हो तो भाई इसको आप आगे से आगे
शेयर करो जिससे हमें हेल्प मिलेगी। और हेल्प तो क्या मिलेगी भाई, देखो एक क्या रहता है ना, जब भी कोई वीडियो हमारी देखता है लाइक करता है तो मोटिवेशन मिलता है आगे कुछ नया करने में। जब तक आप मोटिवेट नहीं करोगे ना भाई मजा नहीं आता। वैसे भी हम वीडियो बनाते हैं जब लाइक मिलता है ना एक आधा तो और ज्यादा मजा आ जाता है। ये रहेगा हमारे 9 दिनों का ट्रिप, थोड़ा बहुत आगे पीछे है बट 9 डेज का ट्रिप हमारा ये है। स्टिकर एकदम फुल फाइनल पक्के चिपक चुके हैं। इस पूरे ट्रिप के दौरान हम क्या करेंगे भाई, क्योंकि खाना वगैरह गाड़ी के अंदर रहेगा, हम करेंगे इन्वॉल्व योर सेंस का यूज, क्योंकि गाड़ी में ना स्मेल हो जाएगी इसके। भाई दोस्त स्प्रे करो और गाड़ी एकदम, अगर ये लाइट सी फ्रेगनेंस चाहिए ना तो वो ले सकते हैं अपनी गाड़ी के लिए, और पूरा दिन महकाती है भाई दोस्त स्प्रे के अंदर ये।